हेलो फ्रेंड, दिस इज विष्णुनाथ सिंह। वेलकम टू ऑल इन एडमिशन मीडिया। आज हम बात करेंगे न्यू ड्यूमी मेडिकल कॉलेज। यह कर्नाटका ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस रहा है अपने मेडिकल चीजों को लेके, क्योंकि सबसे ज्यादा आपकी अगर मेडिकल सीट्स की मैं बात करूं तो इसी स्टेट में है। सबसे ज्यादा प्राइवेट एंड डीम्ड कॉलेजेस भी इसी स्टेट में है, और हर बच्चे की फर्स्ट चॉइस महाराष्ट्र एंड सेकेंड चॉइस कर्नाटका ही होती है। महाराष्ट्र चॉइसेस में थोड़ी सी कमी आती है। रीजन क्या है कि महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है, यहाँ पे सारे बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लास्ट ईयर से यहाँ के जो इंस्टीट्यूशनल राउंड था, मतलब जो इंस्टीट्यूशनल सीट थी, मतलब कि एनआरआई सीट्स पे अदर स्टेट्स के बच्चों को यहाँ पे अप्लाई करने का मौका दिया गया है। बट अगेन कर्नाटका इज ऑलवेज द फर्स्ट चॉइस। और इसी चीज को और आगे बढ़ाते हुए एक नया कैंपस आ रहा है, यानी कि एक नए डीम्ड कॉलेज आ रही है कर्नाटका के अंदर विथ 150 सीट्स। मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी उनका प्रपोजल लेटर, साथ में एनएमसी की वेबसाइट पे भी इनकी डिटेल्स आ जाएगी, क्योंकि इनको रजिस्ट्रेशन और इनको सारी चीजें मिल चुकी हैं। इनके वेबसाइट पे भी आपको जाकर मैंने अपने मतलब डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, आप वहां से भी चेक कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ कि एग्जैक्टली ये कॉलेज क्या है, कितने सीट्स हैं उन चीजों की। तो केली बेलगाम, केली का ये सेकेंड कैंसम है, सेकेंड कैंपस है आपका। ये अगेन सेकेंड कैंपस इसलिए क्योंकि केली का फर्स्ट कैंपस ऑलरेडी जवाहरलाल नेहरू बेलगाम में स्थित है, ठीक है। ये दूसरा कैंसर इनका जो दूसरा सेंटर है, ये मतलब जो दूसरा इनका हॉस्पिटल है, ये आपके वहां से 100 किलोमीटर दूर हाबुली में स्थित है। ये अभी नया मेडिकल कॉलेज आया है, इस साल से ये आपके एक्टिव होंगे, इस साल यहाँ के लिए एडमिशन किए जाएंगे। अभी अगर मैं बात करूं कर्नाटका में, तो टोटल इसको लेके 12 डीम्ड कॉलेजेस हो जाते हैं। जी हाँ, ऑलरेडी कर्नाटका के अंदर काफी सारे बड़े नेम हैं, जैसे कि आपका SRM, जवाहरलाल नेहरू, केम्पेगौड़ा, तो ये ऑलरेडी बहुत बड़े नेम है उसके अंदर। ये एक और नया कस्तूरबा गांधी मैंगलोर, तो इन सारों के बीच में एक नया नाम वहां पे और एड ऑन होता है, केली जो आपका हाबुली में है। इन चीजों पे भी आपको हमारी कंप्लीट एनालिसिस मिलती रहेगी, क्या एडमिशन प्रोसेस रहेगा। आगे डीम्ड कॉलेज है तो एनएमसी ही यहाँ के लिए आपकी काउंसलिंग कराएगी, एनएमसी के थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। बट जो इसका इफेक्ट पड़ेगा आपका, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है सारे बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर सीटें इंक्रीज हो रही है तो चांसेस यही बन रहे हैं कि आपके कट ऑफ डाउनफॉल करें। जी हाँ, अगर सीटें इंक्रीज कर रही है तो चांसेस श्योरली बन रहा है कि आपका कट ऑफ डाउन जाए। लेकिन अभी इस टाइम का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा जो एक क्वेश्चन चल रहा है सारे एस्पिरेंट्स के बीच में, कि उनका रिजल्ट कब आएगा। स्टिल आज भी इस पे भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। जो भी यूट्यूब चैनल है या जो भी न्यूज़पेपर है, सबका कहना है कि वेरी सून। बट आज एक नया चीज हुआ है कि एनएमसी की वेबसाइट ने अपने को अपडेट किया है काउंसलिंग के रिगार्डिंग, वहां पे चीजें अपडेट की है उन्होंने, प्रोटोकॉल्स को अपडेट किया है। तो चांसेस यही बन रहे हैं कि विदिन 2-3 डेज आपके रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे, आपके मेल्स पे आ जाएंगे आपके स्कोर कार्ड, और उसके बाद ही आपके प्रोसेस स्टार्ट होंगे। बट जहां तक अभी पीजी की मैं बात करूं, पीजी में ऑलरेडी एक सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है दिवाली की वजह से, वो 16 नवंबर को उस पर फैसला आना है। डेट इज अबाउट 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी एंड 10% रिजर्वेशन फॉर EWS। तो जब तक उस पर फैसला नहीं आ जाता, न तो नीट यूजी की काउंसलिंग की जा सकती है, न तो पीजी की काउंसलिंग की जा सकती है, क्योंकि उसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व है। मतलब ये जो आपका रिजर्वेशन आया था, ये यूजी और पीजी दोनों के लिए। तो आप मान के चलो कि आपका अगर रिजल्ट आ भी जाता है तो आप 16 के बाद ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी काउंसलिंग प्रोसेस और बाकी चीजें स्टार्ट हो। फिलहाल तो इसमें इतना ही। केली अगर मैं बात करूं इस कॉलेज, इस कैंपस की फीस की, तो इस कैंपस की फीस, ये नया कैंपस है तो उनका जो पुराना वाला कैंपस है उससे कम ही रहने के चांसेस है। बाकी इसके अलावा आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी और चीज के बारे में, कोई भी कॉलेज के बारे में जानना है या किसी के काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में जानना है, तो उसके लिए आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे नंबर आप उसको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, आप हमें व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हो। साथ में अगर आप अपने लिए एक एक्सपर्ट काउंसलर को ढूंढ रहे हो फॉर योर काउंसलिंग, तो उसके लिए भी आप हमारी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम लास्ट 15 to 12 to 15 ईयर से काफी सारे बच्चों को उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग बेस्ट टू द बेस्ट कॉलेज में सेटल आउट करती आई है इन द लोएस्ट पैकेज। तो इन चीजों के लिए भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। साथ ही मैं बता दूं कि हर साल की तरह इस साल भी हमने अपने टेलीग्राम पे चैनल बना दिए हैं, तो अगर आपने उसे ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करके रखें, क्योंकि आपके ऐसे जितने भी अपडेट्स आते रहते हैं हम वहां पे पोस्ट करते रहते हैं। आपकी स्टेट काउंसलिंग की अपडेट, एनएमसी की काउंसलिंग की अपडेट, ये सारी चीजें वहां पे पोस्ट करते रहते हैं, तो उसे ज्वाइन करके रखें। फिलहाल इस वीडियो में टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फैक्ट्स और कुछ और न्यूज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।